बस से जा रही थी, बस वाले ने उतार दिया। बस वाले को शर्म आनी चाहिए कि लड़की को पीरियड्स आने के बाद बस से ही उतार दिया। तो यहाँ पे आप एक महिला देख रहे हो यहाँ पे लेटी हुई है, और भाई बहुत ज्यादा चिल्ला रही है जोर से। हम भाई आगरा जा रहे थे और जाते हुए रास्ते में देख लिया, तो हमने अपनी गाड़ी साइड में लगाई है और यहाँ पे भाई आ चुके हैं। यहाँ से भाई सबसे पहले इनके पास जाएंगे। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? देखो सच बताऊँ तो बहुत सारे कांड होते हैं, लूटम लाटी के, पैसे वैसे चीरने के, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। पल्लवी जी ध्यान से, पता है क्या है कि दिक्कत परेशानी यहाँ पे लड़के वड़के आके ना पैसे वैसे भी लूटते हैं। हाँ कैमरा ऑन ही रखो, कैमरा ऑन कर रखा है। आप ठीक हैं? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ आप? हेलो आप ठीक हैं? क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हैं? कोई तकलीफ है आपको? कुछ नहीं हुआ, आप रो रही हैं तब से हम लोग मतलब हमने यहाँ से क्रॉस कर के देखा आपको ऐसे परेशान रो रही हैं। मैडम क्या हो गया आपको? उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? पता है यहाँ पे बहुत पीछे भाई पूरा जंगल एरिया है और यहाँ पे एक लड़की लेटी पड़ी है, पूछ रहे हैं तो कुछ बता नहीं रही, रो रही है और अपने पेट पे हाथ रख रही है। क्या हो गया मैडम आपके साथ? कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको? किसी के साथ लड़ाई हुई आपकी? किसी ने मारा आपको? घर वालों से झगड़ा हुआ है। क्या हुआ है फिर? हालत आपकी बहुत ज्यादा खराब लग रही है। कोई गलत काम तो नहीं हुआ कुछ? आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं हुआ भैया। तो आप भैया भी बोल रहे हो, बता भी नहीं रहे हो क्या हुआ है? मुझे शेयर कर लो, मैं तो लड़की हूँ ना, क्या दिक्कत है आपको? पेट में दर्द हो रहा है? पेट में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे मेडिकल आगे आ जाओ, हम आपको दवाई दिलवाते हैं। इनको पीरियड्स है? पीरियड्स है इनको? आई थिंक बता ही नहीं रही हो। पीरियड्स है आपको? तो आसपास मेडिकल है ना, आगे जा रहा हूँ। गाड़ी रोकी थी अपने? पानी पैड मंगवाऊंगा? भागता हुआ जा, जल्दी लिया, भाग भाग भाग, पानी पिलाओ आप। अब रो मत मैडम, समझ रहे हैं हम आपको, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन अब यूँ बताओ आप इस रोड से इस किनारे पे कैसे आ गए हो, यहाँ पे कैसे आ गए हो आप? मैं बस से जा रही थी। बस से जा रहे थे आप? बस वालों ने उतार दिया। बस वालों ने उतार दिया इनको? बस में जा रहे थे, बस वालों ने उतार दिया आपको? उनको मालूम था कि आपको पीरियड्स आया है, उन्होंने कपड़े गंदे देख के मुझे उतार दिया। अच्छा कपड़े गंदे पड़े? कैसे लोग हैं यार। अच्छा यूँ बताओ उस बस में लड़कियाँ नहीं थी क्या? उनको शर्म नहीं आती? लड़कियां थी ना, उनको शर्म नहीं आती? किसी ने हेल्प नहीं करी इनकी, किसी ने कुछ नहीं बोला? शर्म आनी चाहिए उन लड़कों को, उन लड़कियों को जिन्होंने आपकी मदद नहीं करी यार। आप यहाँ पे बताओ बैठे हो भाई, शाम के 4 बज रहे हैं और 2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा। लड़की के साथ कल के दिन कोई भी गलत काम होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है बताओ? लड़की इतनी परेशान होकर यहाँ पे दर्द में बैठी हुई है, इसको इतना दर्द हो रहा है ना, ये वही महसूस कर सकती है और एक लड़की महसूस कर सकती है इस दर्द को, मैं और आप नहीं कर सकते भाई। और उस बस वाले को शर्म आनी चाहिए कि लड़की को पीरियड्स आने के बाद बस से ही उतार दिया है, सिर्फ उसके कपड़े खराब हो रहे थे इस वजह से। और लड़कियां भी थी ना उस बस में मैडम? लड़कियां थी उस बस में? उसने आपकी मदद नहीं करी किसी लड़की ने? शर्म आनी चाहिए लड़कियों को, लड़के तो है ही बेगैरत, लड़कियों को भी शर्म आनी चाहिए। आ रहा है सूरज लिया हुआ, बैग में मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, निकालो, एक शर्ट पड़ी है। कोई नहीं आप डरो मत, आप डरो मत, हम आपके साथ हैं, आप हमें अपना भाई समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले कपड़े अपने पूरे संभालो यार, बताओ कैसे बेशरम लोग हैं भाई, लड़की को बताओ पीरियड्स हो गए तो बस से उतार दिया। ये तो अच्छा हमने देख लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता बेचारी के साथ। वही तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा काम हो जाता तो पेड़ भी।
ज्यादा खराब है। अरे पता है क्या, इन्फेक्शन भी हो जाता है ना बहुत बारी, और यहाँ पे गंदे भी पड़ी हुई है। भाई 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 देखो ना कैसी गंदी जगह पे लड़की बैठी हुई है यार, पीछे पूरा जंगल है भाई, यहाँ बड़े सारे उल्टे काम होते हैं आपको पता है। अरे एक लड़की गिर गई यार, गाड़ी कैसे लेके आएगा, दो भाई दो फ्लाईओवर जाना पड़ेगा तेरे को। अरे पूरे कपड़े भी तो खराब पड़े हैं, कपड़े पानी गाड़ी वाली तो नहीं रुक रहे भाई, दुनिया भर की गाड़ियां जा रही है, एक गाड़ी नहीं रुक रही कि एक मजबूर लड़की यहाँ पे बैठी हुई है और उसकी कोई मदद करे, एक लड़की नहीं है यहाँ पे। पानी पिलाओ यार, यार मेरे को ना आज शर्म आ रही है, आज तो एक तो लड़कों पे तो आ ही रही है और लड़कियों पे भी शर्म आ रही है, इंसानियत की माँ बहन कर दी इन्होंने दुनिया वालों ने यार। पीरियड्स आई हुई लड़की को बस से उतार दिया क्योंकि उसके कपड़े खराब हो रहे थे, और भाई यहाँ पे अच्छा हम आ गए, अगर हम नहीं आते तो लड़की के साथ पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि भाई 4 बज रहे शाम के, आपको पता है 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, और यहाँ पे पीछे जो है ना सारे गलत काम होते हैं भाई, हमारी आंखों से देखी हुई चीज़ है। कहाँ रहते हो मैडम आप? अरे हम आगरा बाद में चले जाएंगे, पहले इनको घर पे छोड़ के आए, पहले इनको चेंज कराते हैं किसी टॉयलेट में ले जाके, उनके बाद इनको घर पे छोड़ के आते हैं। कहाँ रहते हो मैडम आप? थोड़ी अरे मैडम आप देखो जगह तो बता दो ना, आप ऐसे हम आपका घर नहीं जानते ना, हम देखो आपकी मदद करने आए हैं। नाम और एड्रेस तो बता दो। नाम क्या आपका? काजल नाम है आपका। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो मैडम आप? डरो मत ना, आप हमें अपना भाई समझो यार। मैं लड़की हूं, मैं आपको कह रहा हूँ आप मेरे को अपना भाई समझो, छोटा बड़ा। कहाँ रहते हो? पास में मैडम। आपको घर का एड्रेस पता है? बिल्कुल जगह पता है आपको घर की? पक्का पता है आपको? चलो इनको लेके चलते हैं। खड़ा करो यार इनको, आओ पहले वॉशरूम में ना, इनको मतलब वो पेड वेट करवा दो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से मतलब बोलो बोलो बोलो। कहाँ से लेके जाओगे? यहाँ से? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ आओ आओ। भाई कितनी मुश्किल हो रही है लड़की को, ये देखो कितनी मुश्किल हो रही है लड़की को। अरे रो मत बहन यार, आजो आजो आजो, रो मत आप, रो मत, हम आपके दर्द को समझे। लड़की को लेके जा रहे हैं, पहले चेंज कराएंगे लड़की का। आजो 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 आराम से, हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो, कोई दिक्कत नहीं। घूम पा रहे हो आप आराम से? हैं आगे एक वॉशरूम है, पहले वहाँ चेंज करवा देते हैं ना। चलो 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 भाई, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई, मेरे लिए नहीं अपनी माँ बहन के लिए वीडियो को शेयर कर देना। एक लड़की को भाई बस से उतार दिया क्योंकि उसको पीरियड्स आ रहे थे, उसके कपड़े ख़राब हो गए, और भाई मैं यूँ कह रहा हूँ कि हर घर में माँ बहन भाभी सब कुछ होता है, क्या उनके घर में उनको पीरियड्स नहीं आते? अपनी माँ बहन से पूछो, तुम अपनी वाइफ से पूछो, तुम्हें पीरियड नहीं आते तो तुम उसके लिए पेड नहीं लेके जाते? एक लड़की सुनसान रास्ते पे बैठी हुई है, 30 रुपए का कोई पेड लेके नहीं दे रहा लड़की को, बताओ इससे शर्म की बात क्या होगी हमारे लिए यार। भाई वीडियो को अपनी माँ बहन के लिए शेयर कर देना, लड़की को पहले चेंज करवाएंगे, पेड करवाएंगे, और उसके बाद जो है भाई लड़की को पहले घर छोड़ेंगे, उसके बाद हम आगरा जाएंगे।